तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कोर्स एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और हमारे साथ सौरभ जी और सतेंद्र जी है, सुबह 7 बजे की क्लास है। और हम बात करेंगे सबसे पहले कोर्स के ऊपर। जैसे कि आपने इसकी कोर्स कंटेंट देखी थी कि मैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब कि एक्सेल के सारे फीचर्स, जितने भी फीचर्स है सारे फीचर्स कवर करूंगा, और साथ में मैं कवर करूंगा देन 200 फॉर्मूला, फॉर्मूला लिस्टिंग, डैशबोर्ड, सारी चीज के अंदर में आएगा। तो चलिए हम आपके साथ शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हमने कल की एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी जिसमें हमने बताया था कि एक्सेल का यूज क्या होता है, कैसे होता है, क्या आप ऑफिस में क्या क्या करेंगे, सिंपल से एक थ्योरी क्लास थी। हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार से। उससे पहले हम बात करेंगे एक्सेल की आर्किटेक्चर, मतलब एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में। जैसे हमने बताया था कल, हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे D4 है, यहाँ पे D4 आ गया, D:N4 नंबर रो, D4 हो गया। तो अब ये D4 हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे अगर A1 में 20 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे A1 पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ A1 प्लस 20 कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे A1 लिया, इसका मतलब है कि इसी एक्टिव सीट का A1। अगर मैं सीट 2 का A1 लेना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा और फिर A1 देना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। हालांकि ये सिलेक्ट करने से अपने आप आ जाती है, लेकिन कई केसेस में नहीं आती, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सीट और सेल एड्रेस, दो इसमें दो चीजें, एक सीट का एड्रेस है, दूसरा सेल का एड्रेस है। अब दोनों का सेपरेटर को, सेपरेटर कौन है, ए एक्सप्रेशन मार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आप किसी और फाइल की बात करते हैं, ये तो होगा विथ इन फाइल, मतलब कि आपने सीट 1 कर दिया तो जो एक्टिव फाइल है उसी का सीट 1 पे जाएगा, राइट सर, या सीट 2 पे जाएगा। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर फाइल से डेटा है, मैं डेटा के सीट 2 का बात करना चाह रहा हूं, डेटा के सीट 2 के A1 की हम डेटा को लेना चाहते हैं, तो इसको भी आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में लिखने पड़ेंगे इसलिए समझाना जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, फाइल नेम किस चीज में है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बड़ी ब्रैकेट है, और फिर सीट, और सीट के बाद स्पेशल मार्क, जो सेपरेशन, और आपका सेल एड्रेस। तो अभी आपका फाइल ये डॉलर और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के हैं, समझाऊंगा आपको। स्पेशल मार्क्स जो है ये सेपरेटर है बिटवीन सीट एंड सेल। A1 का हुआ सेल है, जैसे आप ये बताया था आपको ना, जैसे समझ नहीं पाए आप, इसमें क्या है, सीट नेम हुआ सीट 2 और ये हो गया आपका A1, इट मींस सेल एड्रेस। दोनों का बीच में जो सेपरेटर है वो क्या है, स्पेशल मार्क है, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या है कि फाइल नेम और सीट नेम, फाइल नेम कौन है यह, और सीट नेम के बीच में क्या है सेपरेटर, तो डबल कोटेशन, सॉरी स्क्वायर बढ़ाएंगे। डॉलर साइन क्यों लगा, इसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे आपको, 2 मिनट दीजिए। उससे पहले अभी आप सिर्फ फाइल का नेम है, क्यों, क्योंकि आपकी फाइल ओपन है। मैंने जैसे ही फाइल को क्लोज किया तो यहां पे देखिए फाइल का कंप्लीट एड्रेस आ गया विद पाथ, आ गया सर। और अगर कोई फाइल डिलीट कर दे तो फाइल जैसे डिलीट कर देंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, कई बार आप ओपन करते होंगे तो आपसे अपडेट लिंक पूछता होगा, अपडेट लिंक, तो अपडेट लिंक करने के बाद पूछेगा आपसे, आप लिंक जब अपडेट करेंगे तो आपको इस फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा, नहीं दिए तो एरर शो कर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हेलो, हेलो, समझ में आ गया ना सर आपको,
तो इसमें क्लियर होता है कि आपका फाइल का रेफरेंस तभी शो करेगा जब आपकी फाइल क्लोज हो। अगर जिस फाइल के साथ आपने लिंक किया हुआ है वो फाइल अगर ओपन है तो उसकी पाथ आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ फाइल नेम दिखेगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर हमें अगर विदिन शीट लिंक करना है तो हम जस्ट उस सेल का एड्रेस दे देंगे A1। जैसे मान लीजिए ना कि आप और मैं अगर दिल्ली लेंगे तो हम आपसे एड्रेस पूछेंगे या हमसे आप एड्रेस पूछेंगे तो हम बताएंगे कि मैं दिल्ली मैं जो है क्रान प्लेस में रहता हूँ, कालकाजी में रहता हूँ। तो कालकाजी से आप बोलेंगे हम समझ जाएंगे कि कालकाजी दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ आप जो है राजस्थान में रहते हैं, हम दोनों हरियाणा में मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैं कालकाजी में रहता हूँ या आप बोलेंगे कि मैं फलाना जगह पर रहता हूँ? नहीं, आप बोलेंगे कि मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ और मैं बोलूंगा कि मैं दिल्ली के कालकाजी में रहता हूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण तभी होगी ना। वही हम दोनों अगर किसी और कंट्री में मिलेंगे तो वहां पे बताएंगे कि मैं इंडिया के राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। तो कंट्री, स्टेट और सिटी तीनों देना पड़ा। तो सेम थिंग कि अगर आप विदिन सीट करते हो मतलब कि सेम सिटी में हो तो आप जस्ट A1 बोल दोगे तो समझ जाएगा एक्सेल की A1 इट मींस इसी सीट का A1, राइट। अगर हम एक ही कंट्री में रहकर डिफरेंट स्टेट में मिले मतलब एक ही फाइल में डिफरेंट सीट से तो आपका सीट नेम और फाइल नेम देना होगा। और यहाँ पे एक्सपेंसिव हाँ हेलो जी हाँ हाँ साढ़े सात हजार रुपए, 7500 तो यहां पे आपका एड्रेसिंग सिस्टम समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे 530 इस तरह से रख देता हूँ और मुझे हर नंबर में 20 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल A1 को सिलेक्ट करूंगा प्लस 20 कर दूंगा। तो A1 मतलब क्या हुआ, A1 की वैल्यू मतलब कि रो 1 एंड कॉलम 1 की वैल्यू प्लस 20 मतलब 52 प्लस 20 होके आपका यहाँ आ जाएगा 72। तो एड्रेसिंग सिस्टम इसलिए किया गया ताकि हम सेल एड्रेस करो, अदरवाइज हम यहाँ पे ये कर सकते थे 52 प्लस 72 कर सकते थे, बट क्या होता कि जब मैं इसमें कुछ करता तो आपका वो अपडेट नहीं होता। जैसे यहाँ अपडेट हुआ ना, ये अपडेट नहीं हुआ इसलिए। हाँ। तो एड्रेसिंग सिस्टम से क्या हुआ कि सेल की वैल्यू चेंज तो आपका फॉर्मूला भी चेंज। दूसरी चीज है कि आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद कॉपी पेस्ट या ड्रैग नीचे की तरफ करते हैं तो क्या होता है कि हर आपका सेल एड्रेस इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे A1 है, नीचे देखिए हमारे पास A2 आ गया, इसके नीचे हमारा A3 आ गया सर। सब में अप्लाई हो गया वो पूरे। हाँ, अब हमें इमेजिन कीजिए कि अगर ये फैसिलिटी नहीं होता तो मुझे 1 by 1 सब पे लगाना पड़ता। यहाँ तो 5-10 है तो लगा लेंगे, जहां पे आपको 5-6 हजार 10 हजार लाख होगा तो वहां तो काफी टाइम लग जाएगा आपको ना सर। हाँ। तो ये जो है इंक्रीज वाला सिस्टम जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है। और इंक्रीज सिर्फ डाउन नहीं, अप डाउन सब जगह होता है। जैसे कि यहाँ पे A8 है, मैंने नीचे किया तो ये आपका A11 हो गया। क्यों, तो दो हमने नीचे किया था, 8 और 11 तीन किया ना सर, 8, 9, 10, 11। अगर मैं इसी को ऊपर करूं तो 11 है तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये रो की बात हो गई। उसी तरह से कॉलम, अगर मैंने आगे की तरफ किया तो ये क्या हो जाएगी आपका, सी हो गया, क्योंकि मैंने 3 किया तो यहाँ पे A B C, सी 20 दिख गया आपको, सी 10 प्लस 20। अगर मैं इसको वापस इधर करूं तो सी की जगह पे बी हो जाएगा। तो ये चारों तरफ घूमता है।
तो ए आपका अप डाउन हुआ। ये एक बार घूमने वाली चीज दोबारा बताना। हाँ सर एक बार ये बता, ये घूमने वाली चीज दोबारा। ये देखिए मैं एरो निशान समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका चारों तरफ घूमता है, तो ये आपका होता है रो, ये आपका होता है कॉलम, नीचे की तरफ आता है तो प्लस, इस तरफ जाता है तो प्लस, ऊपर की तरफ गया तो माइनस, इसकी तरफ गया तो माइनस, ठीक है, समझ में आया? नहीं सर एक बार दोबारा बता दो क्या है। ड्रॉ कर दे एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कि आपका एरो की है ना सर, तो ये देखिए ये आपका आ गया, ये आपका रो हो गया, ऊपर नीचे क्या होता है रो होता है, और ये आपका आपका कॉलन हो गया, आगे पीछे कॉलन होता है, नीचे की तरफ आएगा तो इंक्रीज होगा प्लस होगा, आगे की तरफ जाएगा तो भी इंक्रीज होगा कॉलन, ऊपर की तरफ जाएगा तो डिक्रीज होगा रो, एंड पीछे की तरफ आएगा तो माइनस डिक्रीज होगा। अरे क्या डिक्रीज होगा एक बार ये बताना। कोई तो समझा रहा हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारा पास मान लीजिए कि 50 है, मैंने फॉर्मूला लगाया कि g प्लस 20 कर दिया ना सर, तो इसमें क्या हुआ है फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है 70, क्योंकि ऊपर देखिए फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अगर अब मैं डी इसको इसको कॉपी किया और नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया तो क्या हो गया, ऊपर क्या था आपका, ऊपर था आपका डी 10 था ना सर गजेंद्र जी, ओके ओके, और नीचे क्या हो गया आपका डी 11 बढ़ गया, तो डी 11 में तो कुछ था नहीं ना सर, ब्लैंक था, तो ये इसको थोड़ी पता चल रहा है, इसको तो इंक्रीज करना है, और नहीं है तो हमारी गलती है ना सर, इसकी गलती थोड़ी है, एक बार शो करना डी 11 में वैल्यू क्या दे रहा है, 20 देगा, 0 प्लस 20 इक्वल टू 20, ओके ठीक है ठीक है, समझ गए, और हम बात कर रहे फॉर्मूले की, अब फिर फॉर्मूले को अगर मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो एक घटेगा क्योंकि रो माइनस होता है, ओके ओके ठीक है, और सेम अगर मैं इसको इस तरफ ले गया तो भी माइनस होगा, माइनस बी 10 हो गया ना, तो जैसे आप ले जाओगे अपने आप को घटाएगा बढ़ाएगा, बेनिफिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो कॉलम से माइनस करेगा, ठीक है, अब इसकी बेनिफिट को समझिए, जैसे कि हमारे पास इतने सारे नंबर्स है ना, मुझे हर नंबर में 20 ऐड करके रिजल्ट यहाँ चाहिए, सजेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, हर नंबर में 20 ऐड करके मुझे यहां लेके आना है, तो हमने क्या किया कि इक्वल हमने इसको सिलेक्ट किया A1 प्लस 20, अब ये फीचर नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा कि माइनस A2 प्लस 20 माइनस यहाँ पे प्लस आपका A3 प्लस 20, वन बाय वन करना पड़ेगा सारा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा सर, इंक्रीजिंग फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है कि आप एक पे कीजिए और कॉपी करके नीचे की तरफ सब पे ड्रैग कर दीजिए, उससे क्या होगा कि ऊपर वाला A1 में 20 प्लस करेगा, नीचे वाला A2 ऊपर यहां पे देखिए रिजल्ट लिख रहा होगा, उसके नीचे आपका A4, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको फॉर्मूला जो लगाना पड़ा या कैलकुलेशन करना पड़ा सिर्फ एक सेल में, बाकी सेल पे अपने अपने आप एप्लीकेबल हो गया और रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट खुद ब खुद ले लिया, मतलब इनपुट, अब समझ में आया? यप, सुरेंद्र जी और राजेश जी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं 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 सर, आगे बढ़े। हाँ अब एक कहीं पे प्रॉफिट देता है तो कहीं पे नुकसान भी देता है, अब एग्जाम्पल की मेरे पास 20 फिक्स था इसलिए हमने कर दिया, अब बात हुई कि नहीं नहीं 20 को नहीं करना है कि D1 के ऊपर कोई भी वैल्यू हो, चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 16 हो, जो भी वैल्यू होगा A1 D1 पे उसी को ऐड करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे करना है A1 प्लस D1, क्या करना है A1 प्लस D1,
अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग या कॉपी करूंगा तो एक दिक्कत हो जाएगी सर। दिक्कत क्या हो जाएगी कि ए आपका ए टू हुआ तो आपका डी टू हो गया। प्रॉब्लम है सतेंद्र जी, प्रॉब्लम समझ में आया आपको? तो यही एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैनुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज लगाना होगा कि इस पे प्लस पे प्लस। ये तो काफी टीडीएस जॉब हो गया सर, काफी टाइम लगेगा अगर 2,000-5,000-10,000 डेटा हो तो। तो ये लिए डॉलर साइन है कि मुझे रो को रोकना है तो मैं रो नंबर, हर एड्रेस में क्या होता है कॉलम अल्फाबेटिक जो कॉलम होते हैं और न्यूमेरिक हमारा नंबर होता है, तो मैं नंबर को रोकना है तो नंबर के आगे मैं डॉलर साइन ले लूंगा। डॉलर साइन लगाते क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं फ्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा जिसमें डॉलर नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ए वन में डॉलर नहीं लगा हुआ था तो ए टू हो गया लेकिन डी वन हमारा वन ही रहा। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंस या फ्रीज को बोल सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट समझ में आ गया डॉलर का। अब इसमें हमने सिर्फ नंबर इसके वन के आगे लगाया है, सिर्फ रो को फ्रीज किया है। अब मैं कॉपी ले जाऊं तो कॉलम को फ्रीज नहीं किया है। अब देखिए आप डी ई बन गया, तो अगर मुझे कॉलम को भी फ्रीज करना है, अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें ऊपर से नीचे भी कॉपी पेस्ट करना है, लेफ्ट टू राइट भी कॉपी पेस्ट करना है, तो उस केस में हम डॉलर साइन हम कॉलम के आगे भी लगा दें, तो पूरी तरह से आपका अब रेफरेंस फ्रीज हो गया। अब मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जाऊंगा तो जो है आपका ये डेटा यहाँ पे कीजिए ये आपका फिक्स रखेगा टी वन। नहीं एक बार कॉलन वाला दोबारा बताना, आपके सामने है ना सर, आप क्या बोला था कि कॉलन प्लस माइनस होता है, अगर हम डॉलर साइन इसमें नहीं लगाएंगे कॉलन के आगे तो उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बन गया ना, इंक्रीज हो गया एज पर दिस रूल, डी सी बन गया। हमें रोकना है कि नहीं मुझे कॉलम को भी फ्रीज रखना है, कॉलम भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो हम कॉलम के नेम के आगे भी डॉलर लगा देंगे जो अल्फाबेट होता है एबीसीडी जो भी होगा उसके सामने। अब हम इसको कॉपी करेंगे तो हमारा फिक्स रहेगा, डी का डी रहेगा। हो गया सर? अच्छा ये वो सिनेरियो हो गया जहाँ पे कॉलम को भी फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलम बढ़ के ही हो जाता है यहाँ पे। अब समझदार है सर, सब समझ आते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगली टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया आपकी रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंस स्टाइल समझ में आ गया ना आपको सर। अब रेफरेंस स्टाइल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेल हेल्प के बारे में। अब मान लीजिए अभी मैं आपको एक्सेल सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, कुछ समय बाद अगर आपने सारी एक्सेल भूल गए तो क्या करें? कुछ समय बाद अगर आप एक्सेल भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप भूल गए, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा तो आप उसको रिकवर कर लो। होता है कभी कभी कि भाई याद रहता है, थोड़ा सा हिंट मिल गया तो हम उसको कैच कर लेते हैं। उसके लिए आप जैसे इस पे कर्सर रखेंगे इसका स्क्रीन टिप्स दिख जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो टेल मी मोर या F1 प्रेस बटन प्रेस कर लेंगे, या आपको एक्सेल हेल्प में खोल कर लेंगे। इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से चलता है, अगर 2007 नहीं है तो 2007 के बाद के जितने भी एक्सेल हेल्प है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जो है जनरली गूगल पे सर्च करते हैं, करते हैं। हेलो, हाँ हाँ, जनरली गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या होता है कि गूगल पे जो चीज आप सर्च करते हो वो हम जैसे आप जैसे लोग ने डाल ला लगता है, वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है कि हाँ 100% सही है।
देखिए एक्सेल हेल्प में चीजें दी गई चीजें 100% सही होता है, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि कभी भी आपको अगर ढूंढना हो तो आप गूगल हेल्प पे ही ढूंढे, उसके अगर गूगल हेल्प से समझ में ना आए तो आप फिर जाएं वापस इसके, ठीक है। अब इसमें बात आ गई लिमिटेशन की। अब मान लीजिए कि हम जब भी हम लोग नई चीज लेते हैं तो उसकी लिमिटेशन को जानना हम जानते हैं हम लोग, हाँ कैसे होता है क्या होता है, तो यहीं पे मैं लिमिट पे जाऊंगा और लिमिट को सर्च लिमिट करूंगा। यहाँ पे लिमिट लिमिट सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेल क्वेशन और लिमिट्स आपको दिखेगा, एक्सेल क्वेशन और लिमिट्स। अब इसको मैं ये नहीं बोलता कि आप इसको रट्टा मार दीजिए, थोड़ा इसको जान लो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जैसे यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द सेल कंटेन इसमें 32,767 दिखाई दे रहा है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम नेस्टेड इफ में कितना इफ लगा सकते हैं, तो इसके लिमिटेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन आपका फॉर्मूला का करेक्टर 32,767 से ऊपर गया तो आपका फॉर्मूला यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहां देखिए इक्वल आई दो इफ एफ तीन और ब्रैकेट ओपन चार चार करेक्टर है, अगर 32,000 जैसे पार करेगा चाहे वो 200 कंडीशन इफ लगा दिए या 400 इफ लगा दिए, तो करेक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो ये सब चीजें आपको इससे पता चलेगी, तो एक बार इसको कैजुअली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सुरेंद्र जी, ओके। दाना कैसे पता चल गया, F1 प्रेस कीजिएगा, एक्सेल हेल्प आएगा, एक्सेल हेल्प के सर्च में जाके लिमिट सर्च कीजिएगा, या फिर यहाँ आपको इस तरह के बॉल का निशान दिखेगा ना बत्ती का, आपको टेल मी मोर दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और सर्च कीजिएगा लिमिट, यहाँ पे गेट ऑन हेल्प ऑन लिमिट दिख गया, यही पे आपको दिख जाएगा। अब हम शॉर्टकट की बात करते हैं, आप लोग शॉर्टकट का जरा यूज करते होंगे और करना ही चाहिए, मैं शॉर्टकट यहाँ पे सर्च करता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। तो देखिए हर एक ऑप्शन का ऑप्शन होता है और शॉर्टकट होता है, जैसे यहाँ कंट्रोल कट का कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल सी होता है, ऐसे सारे शॉर्टकट होते हैं। अब शॉर्टकट क्यों यूज करते हैं, देखिए ऐसा माना गया है और मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ कि अगर आप शॉर्टकट से ही सारा काम करते हैं, एक्सेल माउस बटन बहुत कम यूज करते हैं, तो आपकी स्पीड जो है माउस से काम करने की अपेक्षा 30% बढ़ जाएगी, ठीक है जी, 30% आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए शॉर्टकट लिस्ट आपके सामने। अब इसको जो है आप क्या करिए, यूज टू कीजिए, इसकी प्रिंट आउट निकालिए और उसको वर्क स्टेशन पर लगाइए, और आपके पास ऑफिस में ऐसा टाइम होगा 2-3 घंटे का ऐसा टाइम होगा जिस समय काम आपके पास कम होगा या होगा तो उतना ज्यादा डेडलाइन नहीं होगी कि हाँ मुझे 2 घंटे में करके भेजना, तो उस समय आप एक्सेल शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। आवाज ना कटने लग जाती है बीच में कई बार, आपको भी कट रही है सर क्या सौरभ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर नहीं कट रही आवाज, मेरे को तो नहीं कट रही, आ रही है सर। नहीं हो सकता है आपके एंड से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे एंड से प्रॉब्लम होती है, सबको होता है सर, कभी कभी हल्की हल्की कटती है, वैसे मोस्टली ठीक है, इस स्पीड वो हो सकता है उस समय कम हो जाता हो। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया एक्सेल शॉर्टकट, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है, पहली एक्सेल लिमिटेशन और दूसरा शॉर्टकट। F2 प्रेस करेंगे तो हेल्प खुल जाएगा, आपके पास कौन सा वर्जन है एक्सेल का, 2019। हाँ तो F2 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऊपर दिख रहा होगा पिवट टेबल के बगल में टेल मी मोर, ये बत्ती का निशान होगा ना सर, ओके ओके, उसी पे जाके आप सर्च करेंगे, जैसे लिमिट सर्च कीजिए, गेट ऑन हेल्प करके आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है।
अब शॉर्टकट में एक चीज और होती है कि बहुत सारे ऑप्शन का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे कि मुझे अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, मुझे कुछ और तरीके से जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करूंगा। जैसे मैं कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस किया, आप देखेंगे कि आपके मेनू बार में एक्टिवेट हो गया, इसमें जो करेक्टर आ रहा है एच एन पी ए आपके शॉर्टकट है। कैसे आया, आपने कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस किया। अब मुझे होम मेनू में जाना है तो मैं वापस एच पे प्रेस करूंगा और एच के सारे जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। हमने एच प्रेस क्यों किया, क्योंकि होम मेनू के आगे एच लिखा हुआ था। एच से होम होता है इसलिए नहीं। अब मुझे इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर के नीचे बी लगा हुआ है तो मैं बी प्रेस किया, और बी में मुझे और बॉर्डर करना है तो ए, और बॉर्डर के सामने ए है तो मैंने ए प्रेस किया। तो बॉर्डर और ये सारा काम आपने ए प्रेस करके किया हुआ था, ऑल्ट प्रेस करके। अब देखिए मैं शॉर्टकट दिखा, ऑल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो ऑल्ट एच बी ए अप्लाई हो गया। अच्छा, तो सर ये मेरे ख्याल से फीचर खाली 2019 में है, इससे पहले तो नहीं था। सब में अब ये भी कुछ ऑल्ट एच ऑल्ट उधर दिख जाएगा ऊपर। हाँ हाँ सही, हर फीचर ऐसे देखिए, इंसर्ट के लिए एन है, पेज लेआउट के लिए पी है, फॉर्मूला के लिए एम है, डेटा के लिए ए है ना सर। ऑल्ट एच आगे क्या था, ऑल्ट एच के बाद क्या था सर, ऑल्ट एच जैसे ही दबाओगे सामने सारा दिख जाएगा आपको, हर किसी का अलग अलग होता है। मैंने नहीं बताया आपको, पहले बताया कि नाम का पहला अक्षर से नहीं है सर, इसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नाम की सीक्वेंस है, जैसे बी फॉर बॉर्डर, एम फॉर मर्ज, समझ गया ना, सी फॉर कॉपी, आई फॉर इंसर्ट, एस फॉर सॉर्टिंग, तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है सर, अब आपके कीबोर्ड में आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट का निशान होगा ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में राइट साइड में, वो आपका राइट क्लिक होता है, क्लिक कीजिएगा राइट क्लिक आ जाएगा। अब राइट क्लिक करने के बाद देखिए जितने भी आपके फीचर्स है, हर फीचर के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, क्या हुआ सर, ये आपको शॉर्टकट है। मुझे फॉर्मेट सेल पे करना है, फॉर्मेट सेल में एफ के नीचे लगा हुआ है, तो मैं जैसे कीबोर्ड का एफ प्रेस करूंगा, कीबोर्ड का एफ प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेल खुल के आ जाए। तो राइट क्लिक बोला भी आप इससे कीबोर्ड से हैंडल कर सकते हैं। अब मुझे कैसे कर सकते हैं, राइट वाला एक बार बता दे। मैंने आपको बोला कि ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में एक राइट क्लिक का बटन है कीबोर्ड के अंदर, दिखा सर, नहीं है सर, ऑल्ट और कंट्रोल ही दिख रहे हैं मेरे को तो, उनके बीच में नहीं है कोई सर। राइट साइड की बात किया मैंने, लेफ्ट साइड की नहीं। हाँ राइट में ही सर, राइट। अब ये नजर कमजोर हो गई सर, बड़ा चश्मा लेना पड़ेगा, छोटा चश्मा काम नहीं चलेगा। मैं दिखाता हूँ, ये जो बटन होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे विंडो की नजर में होता है सर, ये सर मेरे में कंट्रोल में ही है, ये वाला जो आप बोल रहे हो ये कंट्रोल पे ही है, ये वाला सर लैपटॉप में नहीं है। हाँ तो लैपटॉप कीबोर्ड ले लीजिए, लैपटॉप कीबोर्ड में भी होता है, मेरा भी लैपटॉप ही है, लैपटॉप की है ना, ये वाला बटन दिख रहा है आपको, नहीं सर मेरे में नहीं है, और मेरे में सर ये कंट्रोल पे ही है, इस तरह का कंट्रोल पे, मेरे साथ ऑल्ट कंट्रोल है। ऑल्ट कंट्रोल के बाद कुछ नहीं है क्या, मिनी लैपटॉप है क्या आपका? नहीं वो बड़े वाला है, ओमेन का एचपी होगा सर। क्या है ना,
ये साइन है, ये कंट्रोल में ही बना है, तो अगर कंट्रोल प्रेस करें तो शायद आ जाएगा। कंट्रोल पे बना हुआ है वो साइन, देख लीजिए सर, राइट, उससे राइट क्लिक होता है आपको, होगा हर कीबोर्ड में होता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, वो समझ गया, हाँ होता है, समझ गया सर। अब चेक कीजिए, राइट क्लिक होता है मेरे में तो नहीं, कंट्रोल से ही राइट क्लिक हो रहा है क्या? हाँ कंट्रोल आप क्लिक करोगे ना तो उससे राइट होता है, एक बार चेक करो, क्योंकि वैसे मैं प्रेस करता होता है राइट। आपका एप्पल है कि ये है सर? मेरा नहीं हो रहा। आपका मॉडल कौन सा है? मेरा एचपी का गेमिंग सीरीज है ओमेन। गेमिंग सीरीज है ना, एचपी गेमिंग ओमेन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोन नहीं होगा ऐसा, यही है ना आपका? हाँ हाँ चलिए, आपका सिर्फ यहाँ पर ऑल्ट और शिफ्ट है ना? मेरा ऑल्ट और कंट्रोल है, ये कंट्रोल, यहाँ ये देखना, ये इसमें क्या है तीन पे? हाँ यहाँ पे फंक्शन है, विंडोज है और ऑल्ट है। इसमें राइट क्लिक हटा दिया होगा सर? नहीं आ रहा, या फिर और मैंने ये ऊपर में कहीं होगा F1 के साथ, खोजना पड़ेगा सर, मैंने लैपटॉप देखी नहीं है, क्या कर, मैं तो लिमोनो यूज करता हूँ हमेशा। नहीं इसमें है नहीं, एक बार कीबोर्ड का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख बता दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप अगर कीबोर्ड का प्रेस करते हैं राइट क्लिक और इसमें आप एफ प्रेस कर देते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी, कीबोर्ड की कौन सी बता रहे हो? माउस पॉइंटर में होता है। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा यार, यहाँ एफ पे क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल और ये आपके पास आ जाता है। अभी टैब जैसे कि प्रेस करेंगे इसके अंदर आप मूव करेंगे, कंट्रोल टैब करेंगे तो इसके आगे जाएंगे, इसमें तो कंट्रोल टैब से अगले टैब में चले जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट से बैक आएंगे। ठीक है, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, बाकी आप खुद रिसर्च कीजिएगा पता चल जाएगा। और सुरेंद्र जी की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, आपकी इंटरनेट से चलने वाले और एप्लीकेशन बंद कर दीजिए ना सर, आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम है, स्पीड है, इसलिए 200 Mbps का कनेक्शन है, इशू होना ही 200 Mbps का सर। मेरे एंड से प्रॉब्लम होती है तो सौरभ जी को भी होती है, अगर मेरी टेलीकास्ट अगर वीक होती तो सौरभ जी को भी वीक पहुंचता ना सर, कई बार बीच में आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में सही गया होगा, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है सर, इसको देख लीजिए, कल हम ऐसे मतलब आपने सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल किया है तो सॉफ्टवेयर अपना पैचेस वगैरह डाउनलोड कर रहा होगा, इस कारण से आवाज आपको। एक बार सर दोबारा बताना कि आपने वो कैसे शॉर्टकट दिखाए थे? ऑल्ट की राइट क्लिक कीजिएगा तो जितने भी आपके हैं ना यहाँ पे, इसमें जो अंडरलाइन है वो शॉर्टकट है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड पे सिर्फ ऑल्ट प्रेस करूंगा तो राइट क्लिक खुल जाएगा? नहीं नहीं, कीबोर्ड में राइट क्लिक का बटन है वो करना है, या फिर राइट क्लिक करना है जो कीबोर्ड में राइट क्लिक का बटन होता है उससे कर सकते हैं, तो बात तो बराबर है। ये चीज हम लोग इसमें करते थे, ये डेस्कटॉप पे कीबोर्ड पे करते थे, लेकिन लैपटॉप में तो आप राइट क्लिक का बटन दबाएं या फिर आप राइट क्लिक दबाएं, तो दोनों बात बराबर ही। अच्छा उसके बाद अगर F प्रेस करते हैं तो सीधा वो आएगा, क्योंकि जिसके नीचे अंडरलाइन है वही आपका शॉर्टकट है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है सर, ओके थैंक यू।